सभी दोस्तों का वेलकम करते एक नई वीडियो में। तो आज मैं आया हुआ हूँ नर्सरी पे दोस्तों। संडे का दिन है तो क्यों ना आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम डहेलिया के प्लांट के बारे में बताएंगे और ये प्लांट आपको नर्सरी पे किस प्राइस में मिल जाएगा ये भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं नर्सरी पे, हम आ गए हैं और नर्सरी पे आपको दिखाएंगे कि ये डहेलिया के प्लांट आपको किस किस कलर में मिल जाते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, कई शेड आते हैं। तो आप चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करना। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों डहेलिया में कई कलर हमको मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखिए येल्लो कलर कितना ही फेवरेट कलर लग रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको कई कलर के डहेलिया के प्लांट मिल जाते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो येलो कलर होता है बहुत ही लाइट, और आपको ये प्लांट देख सकते हैं नर्सरी पे आपको ये 40 रुपये प्लांट मिल जाएगा, किसी नर्सरी पे आपको 30 रुपये प्लांट मिल जाएगा। फ़र्क इस बात पे करता है कि ये प्लांट कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो अभी आपके चल के दिखाते हैं कुछ और भी इसमें कलर हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, तब तक आपको नए प्लांट दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरफ देखिए बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही, तो यहाँ प्लांट है जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप अगर आपके जो टेरेस गार्डन या बालकनी में फुल दिन की सनलाइट नहीं आती है तो अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे अच्छे दिन की सनलाइट चाहिए। फुल सनलाइट मिले तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। देख सकते हैं कितने बिग साइज़ का फ्लावर है। तो आप इधर भी देख सकते हैं, मैं आपको कुछ हथेली से दिखाता हूं ताकि अपन ज़्यादा लगाएं। देखिए कितना बड़ा फ्लावर है। तो दोस्तों ये देखिए रात की बारिश में और हवा चलने से फ्लावर गिर गया है। तो दोस्तों इस प्लांट को आप एक स्टिक का सहारा लगा के रखें ताकि ये हवा से डैमेज ना हो। तेज़ हवा से ये प्लांट का जो फ्लावर काफ़ी बड़े साइज का होता है और वो टूट जाता है, इसलिए आप इसको एक स्टिक की सहारा दीजिए। दोस्तों एक बार फ्लावर खिलने में दोस्तों इसको 1 वीक का समय लगता है, उसके बाद ये बहुत ही लंबे समय तक फ्लावर जो है टिका रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल प्लांट है। तो दोस्तों इसके कई कलर आप अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में लगा सकते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी पे 30 से 40 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड अगर इसके पॉट साइज की बात करें तो हम इसको 8 से 10 इंच का जो पॉट है वो दे सकते हैं। आप इसको मिट्टी के पॉट में लगाएं तो काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड इसको हर वीकली आप इसमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देते रहें, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बर्मी कंपोस्ट ही दें, क्योंकि दोस्तों इसको बर्मी कंपोस्ट है जो कि एसिडिक होता है, तो एसिडिक सॉइल हर फ्लावरिंग प्लांट को पसंद होती है। तो आप जब भी प्लांट लगाए उसमें बर्मी कंपोस्ट दें, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार होती है जो कि एसिडिक होती है, और एसिडिक जो मिट्टी होती है वो प्लांट के लिए बहुत ही सही रहती है। एसिडिक मिट्टी से हमारे जो फ्लावर है वो काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कलर के हैं, तो आप अपने मनपसंद कलर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल की वीडियो आपको कैसी नर्सरी की लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हर संडे को हमारी न्यू वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों जल्द ही आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नर्सरी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।